हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो सुबह की स्टार्टिंग हो रही है गर्मा गर्म चाय से। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। जिसको भी पीनी है चाय आ जाइए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपने काम। तो यहाँ पर चाय थोड़ा सा उबल रही है और ये है तैयार चाय। आप लोग भी सर्दियों में तो कितनी भी चाय पी लो ना, बहुत अच्छी लगती है। और ये है पापे यानी कि रस। ओहो, मेरा कैमरे पे ना चाय की भाप लग गई, इसको साफ कर देती हूँ। ये देखो आप कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। तो चलो मिलते हैं व्लॉग में, बने रहिए। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कुछ हटके, मतलब आज मैं पहले ही रेडी हो गई हूँ। उसके बाद अब हम घर के बाकी सारे काम करेंगे, क्योंकि आज मेरा मन हो रहा था कि थोड़ा सा प्रेजेंटेड बने और अच्छे से वीडियो को स्टार्ट करें। कभी कभी जब मन होता है तो मन करता है कि आप तैयार हो, अच्छे से तैयार हो और अच्छे से एक वीडियो बना दो। तो वैसे तो मेरे घर के सारे काम हो गए हैं, थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह और ये सब चीज़ें रहती हैं, तो ये हम कर लेते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। अगर नए हो तो मैंने आज ये पहन रखा है अपना ये नाइट सूट, ठीक है, बहुत ही सुंदर सा। और पता है ये मेरी शादी का नाइट सूट है और इसको काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये अभी ऐसे का ऐसे ही है, बहुत सुंदर सा है ये। तो काम अभी स्टार्ट करेंगे। तो भी जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, तो वही एक चीज़ मैं बोलूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना गाइज। आप लोग वीडियो देख लेते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा जिससे कि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोंछा वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ गिर गया था, तो इसको साफ़ कर लेती हूँ मैं। और ठंड में ना काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठंड में तो मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि बस रजाई में घुसे रहो, काम मत करो। बट रूम गंदा भी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, तो इसलिए चलो रूम को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और जब रूम क्लीन होता है ना तो और अच्छा लगता है रूम, तो इसीलिए। और पीछे जो आप सोफे पे कपड़े वगैरह देख रहे हैं तो इसे इग्नोर करना, क्योंकि यार जगह नहीं होती ना। तो अभी कपड़े में धुले हुए लेकर आई थी अंदर, यहाँ रख दिए थे, कहाँ रखे यार। मतलब एक रूम में एडजस्ट करना थोड़ा सा हो जाता है कि कपड़े रखने ही पड़ते हैं, और डेली की रजाई गद्दे सब सोफे वगैरह पे एडजस्ट कर देती हूँ मैं, क्या करें। रोज़ रोज़ बेड में डालूँ, रोज़ निकालूँ, ऐसा भी नहीं हो पाता। और सर्दियों में तो रजाई कोई तय ही नहीं होती, हर घर में यही कहानी है कि बेड पे से कंबल रजाई हटते ही नहीं है। तो चलो एंजॉय करो वीडियो। तो गाइस, सफाई का मेरा काम हो गया है, और जो भी आगे का रूटीन रहता है, जैसे कि अब दोपहर के 1 बज रहे हैं,
तो बस रोटी बनाना बाकी है, वो मैं बना लूँगी। कपड़े चेंज मुझे करने होंगे किचन में जाने के लिए, तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और बस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। आगे जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या खाने में बनाया, ठीक है? तो बने रहिए व्लॉग में। तो गाइज ये देखो, ऐसे मैं अपनी रील्स वगैरह बनाती हूँ, रिंग लाइट ऑन कर रखी है, तो चल रील्स वगैरह बना लेती हूँ। यहाँ पर चल रहा है टीवी, साउथ इंडियन मूवी देखते रहते हैं हस्बैंड जी, तो यहाँ पे बस दो चार मैं रील्स वगैरह बना रही थी। उसके बाद अब मैं जाऊँगी किचन में कपड़े वगैरह चेंज करके, तो ठीक है देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं। चलो तो मैं मतलब मैं जा ही रही थी किचन में, उससे पहले मैं जब मैं रील बना रही थी मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं ये, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं बाद में, बाय। कुछ ज्यादा ही जबान चला रहे हो, पुलिस से जानने के बावजूद भी। तो गाइज मैं बना लाई हूँ खाना, मैं आपको बता देती हूँ। ये हो गई चपाती, ठीक है? ये है आलू, जो बच्चों के लिए थोड़े से फीके आलू है, मिर्च के नहीं खाते ना। ये हो गया देसी आदमी का देसी खाना, रायता छाछ है ये, ठीक है? और ये और एक्स्ट्रा है क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, सब खाएंगे, ठीक है? और हमारे लिए ये मैंने ये बनाई है मिक्स वेज, इसमें है शिमला मिर्च, आलू, गोभी, मतलब एक एक दो दो पड़ी हुई थी तो मैंने ये डाल दी, तो ये मिक्स वेज है, अभी खाते हैं। तो ये हो गया देसी लोगों का देसी खाना, ठीक है? गाइज यहाँ पर खा रहे हैं तीनों बाप बेटा खाना, नक्श तो बड़ा सुंदर लग रहा है। ये है फोन का कैमरा का कमाल, फोन का कैमरे से भी वीडियो कितनी अच्छी बन रही, क्लैरिटी अच्छी लग रही है। तो ये लोग खा रहे हैं खाना, इनके लिए बनाया ही थी। और आज काफी टाइम बाद रायता खाने का मन कर रहा था, मतलब छाछ पीने का मन कर रहा था, तो छाछ मेरा पीने का मन छाछ था, और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो नक्शा भी ट्यूशन से आया, जस्ट पढ़ाई वढ़ाई करी है या ऐसे ही? टेन का टेबल तो इतना इजी है, टेन तक टू फोर सिक्स। अच्छा चलो, तो इनको खाना खाने देते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ओके okay।